अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द लिपिड कॉर्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, सेकेंडरी की बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो सेकेंडरी से अगला लेवल टर्शरी का। तो हमने प्राइमरी में पढ़ा कि एक लीनियर चेन होती है, सेकेंडरी में पढ़ा कि वो चेन जो है वो या स्पायरल उसकी अरेंजमेंट हो जाती है, या फिर दो चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देती है। अब प्रोटीन की अगर फोल्डिंग हो जाए तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फोल्डिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो अगर अब उसकी जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन हमें पढ़े ना, ऐसे गुच्छा सा होता है, तो उसकी फोल्डिंग हो जाए तो फोल्डिंग से बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो अब आगे बात आती है डोमेन क्या होता है। अच्छा जी, तो डोमेन क्या होता है बेसिकली, ये ना मतलब कि इसको आपको कैसे बताऊँ, जैसे कि हमारे पास नहीं, ऐसे नहीं, ये हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसका एक ये छोटे छोटे डोमेन से मिलके बनी होती है। डोमेन बेसिकली जो है ना फंडामेंटल फंक्शनल और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये पूरे एक जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, यानी कि वो अपने फोल्डिंग के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए मतलब के सेपरेट होता है। छोटे छोटे डोमेन्स मिलके एक जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे एक घर के अंदर कमरे होते हैं, तब वो जिसका कमरा है उसका जो दिल चाहता है वो उस कमरे में करे, ठीक है। लेकिन घर तो सबका है ना, कमरे मिलके घर बना रहे हैं। इसी तरह एक छोटा सा यूनिट, फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड को हम डोमेन्स कहते हैं। अगर 200 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स की लेंथ हो, 2 से 3 डोमेन्स होते हैं। जो कोर ऑफ द डोमेन है वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट से बनती है, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। और इसके अलावा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ईच डोमेन हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्मॉल कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन दैट इज स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर डोमेन्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि बाकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे इंडिपेंडेंट है। अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है ना, इंट्रैक्शन स्टेबलाइजिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक इंट्रैक्शंस। ये मतलब के नाम याद कर लें, अंदर से आप मतलब कंसेप्ट होगा तो लिख लेंगे, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन बहुत दफ़ा देखा है पास्ट पेपर्स में। अच्छा जी, तो फिर हमारे पास आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट लिंकेज होता है। तो हमने अमाइनो एसिड जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग द सल्फर ग्रुप, तो इसके हमने सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन पढ़े थे ना। तो दो सिस्टीन मॉलिक्यूल जिनके अंदर हमारे पास SH ग्रुप होता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप, ठीक है। और दूसरी तरफ भी तो इन दोनों की जो लिंकेज से बनता है, ठीक है, वो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और जो है वो सिस्टाइन से सिस्टीन बन जाता है, और ये मतलब कि दो चेन्स के दरमियान भी बन सकते हैं। दो अपने मतलब कि एक चेन के इतनी बड़ी चेन होती है ना, तो इधर से इधर तक मतलब एक चेन के अंदर भी बन सकते हैं और दो चेन्स के दरमियान भी बन सकते हैं। इंट्रा और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। और जो इससे क्या होता है कि मतलब जो यहाँ से पढ़ लेते हैं, द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रिंग्स द सिस्टाइन रेजिड्यूज इनटू प्रॉक्सिमिटी एंड परमिट्स कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ देयर साइड चेन, यानी कि ये बॉन्ड्स साइड चेन्स को जो है करीब लाती है। यानी कि यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा है, जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये बेंड हो गई, ये इसके पास आ गया। तो इस तरह एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है ना। तो बेसिकली आपने इसमें याद रखना है कि जो सल्फाइड्राइल ग्रुप है दो अमीनो एसिड्स का, उनके दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड है, और ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो है वो स्टेबलाइज करता है, क्योंकि जब अमीनो एसिड्स करीब करीब आएंगे उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन सकेगी। और इसके बाद आते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये हमारे पास होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के दरमियान, ठीक है। और ये इंटीरियर के ऊपर होते हैं क्योंकि आउटसाइड जो है वो पोलर स्ट्रक्चर और वाटर होगा,
और ये जो है वो जैसे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान में होते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सारा बताया, ये पोलर और अल्फा अमाइनो एसिड्स के दरमियान होते हैं। ये जो आयनिक एसिड है, एक फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज है, उन दोनों के दरमियान जो है वो आयनिक अट्रैक्शन होगा। एक ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, उसके दरमियान सारे सारे पास पास है, इनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं अगर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हों। तो इसी तरह ये चारों बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे तो उनके दरमियान ये वाले बॉन्ड हो जाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया हुआ है और ये हाइड्रो आयनिक बॉन्ड दिखाया हुआ है। प्रोटीन फोल्डिंग, अच्छा जी, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है कि फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स इनटू अ करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शनल 3D फ्रॉम रैंडम स्ट्रक्चर। यानी एक रैंडम स्ट्रक्चर है उसकी, मतलब है ना, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, उसे हम कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। और इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन ही करनी है। तो सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर वो सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, क्वार्टरनरी बनेगा। तो बस यही बातें इसमें करनी है। तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ये वैसे टॉपिक जो है ना सत्या से भी आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको डीनेचर करती हैं। वहाँ से भी डी अनफोल्डिंग एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज द डीनेचुरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो डीनेचर नहीं होता है, यानी कि अगर आप प्रोटीन को डीनेचर करते हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह खराब हो जाएंगे, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैपरॉन्स इन द प्रोटीन फोल्डिंग, इनका रोल। तो ये हमने जो है वो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं। द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग इज कंटेन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये तो आपको पता ही है। तो और मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम प्रोटीन को एक डीनेचर करते हैं, अनफोल्ड हो जाती है, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स को अगर आइडियल कंडीशन दी जाए तो वो दोबारा से फोल्ड होके अपनी असल हालत में आ सकती हैं। तो वो इस कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ चैपरॉन्स। ये हमारे पास एक प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन, HSP 60-70 वगैरह, ये प्रोटीन की फोल्डिंग में मदद करती है। यानी कि ये प्री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये प्री प्रोटीन जब फोल्ड हो रही होती है उसको डीग्रेड नहीं होने देती, या प्रोटीन की फोल्डिंग को असिस्ट करती है, एग्रीगेशन नहीं होने देती, ट्रांसलेशन को असिस्ट करती है, और ये प्रोटीन की प्रायर फॉर्मेशन। तो ये ना, ये एक इस तरह से और एक इस साइड से इस तरह से एक ना कि सब बना लेती है। तो और जब प्रोटीन अभी बन रही होती है वो इसके अंदर चली जाती है, और उसके अंदर उसकी प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है सही तरह से, और फिर वो उससे निकल आती है। तो इनका जो रोल है ना वो प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, तो और इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन मर्ज टू फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से नहीं आता, जो वो आता है कि डिफाइन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो तब आपने जो है ना हीमोग्लोबिन के जो ऊपर सारी वीडियोज़ बनी हुई है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो आपने वो साथ बताना होता है। तो उसके बाद प्रोटीन की मिसफोल्डिंग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।